पिताजी पढ़ाई कर रहे हैं। अरे ससुर के नाती पढ़ते काम करो भैया, चलो चलो खेतों काम है। अरे बाबू हम कब पढ़ ले दिए, कुछ जिंदगी में कुछ बना चाहे थे हम खेतियों देने बन गए। राम प्यारे, राम प्यारे हैं, आपकी चिट्ठी आई है। हाँ भैया डाक बाबू, राम प्यारे भाई। हाँ भैया, अरे सिग्नेचर कैसे हुआ था यार, सिग्नेचर तो मैं नहीं आता हूँ। लाओ गोदा दादी चाय। लाइए भैया, लगा देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। धन्यवाद। अच्छा बाबू जी, हम तो अंगूठा छाप हैं, जरा ये हमारा पत्र पढ़ के सुना दीजिए, देखें। लाइए लाइए। लागत है बम्बई में ज्यादा पढ़ ले बाबू। भैया इनमें कुछ काला काला लिखा है, हमें तो लग रहा है काला अक्षर भैंसे बराबर। भैया आजकल के लॉकडाउन का ये काला अक्षर भैंस बराबर लाए, मोबाइल में छुट्टी मिले तब तो। भैया इसमें कुछ पता नहीं क्या लिखा है, हम पढ़ नहीं पाए। सुनाए दियो, हमारे सासू माँ पढ़े हैं।
बतोइया पढ़ के आवा, लेकिन परिवार नहीं चला था भैया। हमार अम्मा रही अनपढ़, मार बड़की अम्मा वहाँ रही अनपढ़, परिवार तीसरी पीढ़ी में खट्टा बा भैया, लेकिन अपन नहीं करैया भाई। अरे दादा, हमको ना मतिया दिन है, अभी नहीं शाम को आएंगे ना, शाम को तब हमको सब दिखाई देगा, सब पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है बच्ची, झुमझू जियो, तुम झुमझ नहाओ, खुद खेलो, तुमको अच्छी मिठा दिए भैया। पत्र पढ़ा गया कि नहीं? बहुत जने पढ़ी, करिए करिए अक्षर। इसका मतलब आपके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? गांव कहीं, हमारा गांव अरे गाँव आज चलिए ठीक है, हम ही करके बना देते हैं आपको। प्यारे दामाद, अरे आपके ससुर, अरे भैया ससुर का हाल ठीक है? अरे भगवान बताए भैया, मेरे ससुर का मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी? अरे धर्मपत्नी हो मैं नंबर जाता काम को। अरे भैया जो बड़ा भैया अरे किसान भाई आगे पढ़ने दीजिए। आपकी धर्मपत्नी ने दो बच्चों को जन्म दिया है। अरे भैया तुमका के बड़े हमार बड़कऊ लाल हुए भैया, बुलाए नादा मोहे बड़के भैया पढ़े ना। अच्छा का पढ़े दी अब बिना पढ़े का हालत सवाई करिए करिए अक्सर बतावा मोह दिया भैया भाई, क्यों कहा था हमका दिन नहीं रखा, क्यों कहा था हमका करिया अक्षर भाई, करिया अक्षर भाई, काला अक्षर भाई। जो हमारे भैया पढ़ा चाह गए तो हम अपने भैया को पढ़ाओ, ठीक है? ठीक है, उनका पीछे कराओ, डॉक्टर बनाओ, थोड़े आशीर्वाद आए करो, गन्ना वन्ना दिया दिए भैया, पढ़ावा जाए देखा जाए फिर जो हुई है, ठीक है? इसीलिए प्यारे बच्चों आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जिस तरह आप मोबाइल का यूज करके पढ़ाई से थोड़ा बहुत दूर हो चुके हैं, हम लोग अपने व्यवहारों में थोड़ी बहुत बदलाव ला चुके हैं, ना आप लोग टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और ना बाप माँ बाप को वो तवज्जो देते हैं जो पहले लोग दिया करते थे। तो मेरी बेटा हाथ जोड़कर विनती है आप सभी टीचरों का के आदेशों का अनुपालन करें और
पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई ही आपको अंधकार से निकाल सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि हमारे दास बाबू आपको जो शब्दों में एजुकेशन या शिक्षा के महत्व को समझाना चाहते हैं, तो सभी लोग कृपया ध्यान देंगे प्लीज। इसी पे एक लाइन है बच्चों, बिना पढ़े नर पशु कहावे, जीवन का सुख कभी न पावे। एक लाइन और है बच्चों, राबी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ हम बदलेंगे कुछ आप बदलेंगे तो जवाना बदलेगा। नागिन सर आपसे कुछ रूबरू होना चाहते हैं, अपने शब्दों के साथ कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज फॉलो करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत चीजें मनाते हैं, बहुत चीजें सुनते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स प्रिंसिपल और पति सर ने भी आपको बहुत कुछ बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इफ देर इज अ लैक ऑफ मॉरलिटी इन मॉडर्न स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मेरा मतलब यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है और हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी महान पुरुष ने कहा था, शिक्षा वो शैलनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्राप्त करें और धारिये जिंदगी में। धन्यवाद। धन्यवाद नागेश सर। और साक्षी मैम आपको दो शब्दों में कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज सर आप अटेंशन में। बस यही एक पंक्तियां, शिक्षा से संस्कार, संस्कार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी का शुक्र आभार प्रकट करूंगा। सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल साहिबा का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया। आज तक 2008 से मैं हूं और इससे इस तरह का पहला परफॉर्मेंस हमारी तरफ से रहा, टीचर्स की तरफ से। इसमें सबसे बड़ा मुझे आशीर्वाद रहा, जिनको नाम का रहा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मैम। मैम दो शब्दों में प्लीज।